फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ये मेकअप लुक जिसे मैंने क्रिएट किया है। और फ्रेंड्स, ये जो मेकअप लुक है ना, ये काफी ट्रेंडिंग है, काफी यूट्यूबर्स ने इसे ट्राई किया है। सो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसे जरूर ट्राई करके देखूंगी। तो इसके लिए मैंने स्पेशल कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और उसके साथ ही मैंने ये लुक क्रिएट की है। और वो क्या प्रोडक्ट्स है मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे मुंह में ना इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो देखते हुए ये थोड़ा सा विजिबल भी हो तो इसे इग्नोर कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये मेकअप लुक वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए काफी मायने रखता है। आपके लाइक्स के थ्रू मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही, और मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्लम का रोज़ वाटर टोनर, जो कि मैंने रिसेंटली बाय किया था। इसकी रिव्यू वीडियो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मुझे ये टोनर काफ़ी पसंद आया है। इसके साथ आपके पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं और आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहती है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नीविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसके साथ मैं अपने फेस और नेक को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। और आपको मेकअप अप्लाई करने से पहले CTM करना ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, मेरा CTM यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब अप्लाई कर रही हूँ वैसलिन की लिप बाम। काफ़ी अच्छी लिप बाम है, अफोर्डेबल है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। इसके लिए मैंने एट्यूड हाउस की आईब्रो पेंसिल यूज़ की है इन द शेड नेम ग्रे ब्राउन। एंड ये मेरी अफोर्डेबल एक ब्रो पेंसिल है, तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले अपनी आई मेकअप को करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर लिया है इन द शेड नेम 3। और इसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को पहले अच्छे से डिफाइन कर लूँगी, और साथ ही इसी कंसीलर के साथ मैं अपनी आईलिड के ऊपर भी इसे अप्लाई कर लूँगी। और मैंने जो ब्रश लिया है वो एक कंसीलर ब्रश है, और ये है प्रो आटे का ब्रश है फ्रेंड्स। तो इसके साथ मैं इस तरह से इसे अप्लाई करके फिर इसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का ही एक लिक्विड आई शेडो, एंड इसका जो शेड नेम है वो है 10 गैलेक्सी। इसे भी मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया है। इसकी जो रिव्यू वीडियो है आप जल्द ही मेरे चैनल पर देख पाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई किया है। एंड इसकी पिगमेंटेशन मैं कहूँगी थोड़ी सी लाइट है। तो यहाँ पर मैं अब यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। इसके साथ मैंने अपनी क्रीज लाइन एक पिंक शेड लेकर बिल्डअप की है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 शेड्स ही यूज़ करूँगी। सो इस लाइट पिंक शेड को मैंने अपनी क्रीज पे अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं किस तरह से। एंड साथ ही फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का एक लूज आई शेडो जो कि है 02 मैरीन शेड में। और फ्रेंड्स, आप इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है। एंड इसकी भी आप फ्रेंड्स रिव्यू वीडियो जो है मेरे चैनल पर जल्दी देख पाएंगे। मैंने जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स बाय किए हैं उसकी मैंने एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाई है, कि अगर आप उन प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, तो वो वीडियो आपको जल्द ही इस वीडियो के बाद देखने को मिलेगी। इस तरह से मैंने फिर अपने आउटर वी पे इसी शेड को प्लेस किया है जो कि मैंने क्रीज लाइन पे जो शेड था अप्लाई किया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा जो आई मेकअप था वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ था। तो फिर मैं जो मैंने ग्लिटरी शेड अप्लाई किया था मैरीन शेड, वो मेरे फॉल आउट हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसे क्लीन किया था। और यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का प्राइमर, अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से मैं इसे अपने टी जोन में अप्लाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो इनसाइड का प्राइमर है मुझे काफ़ी पसंद है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ही फिर से कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने अपने आईलिड पे किया था। तो इस तरह से मैं अपने डार्क सर्कल्स को इसके साथ कंसील कर लूँगी। मैं आज कोई भी ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं कर रही, बिकॉज मेरे जो डार्क सर्कल्स है थोड़े से लाइट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, और फिर मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको जो ब्लेंडिंग है अंडर आइज़ के नीचे पहले करनी है, और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बाद में जब दोबारा से कंसीलर अप्लाई करना है तो किस तरह से आपको इसे सेट करना है वो भी मैं बताऊंगी। सो आज मैं यूज़ कर रही हूँ एलेटिन की फाउंडेशन। एंड फ्रेंड्स, ये एक अफोर्डेबल फाउंडेशन है। अगर आप अपना जो शेड है वाइजली चूज़ कर लेते हैं, तो आप एक कह लीजिए कि अगर आप एक लाइट मेकअप करना चाहते हैं तो ये जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देख सकते हैं कि मेरा जो शेड है ना वो है 02 मार्बल, एंड मेरी स्किन टोन के साथ परफेक्ट मैच है।
तो ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, इजीली ब्लेंड हो जाती है और बिल्कुल भी फेस पे पैचेस नहीं बनाती। तो इस तरह से फ्रेंड्स पूरी फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद आज मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ कंसीलर स्विस ब्यूटी का। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले जो कंसीलर यूज़ किया था वो इनसाइट का किया था, उसके साथ मैंने अपने डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन को कंसील किया था, लेकिन अब हाइलाइटिंग करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का 02 शेड जो है वो यूज़ किया है। इस तरह से मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हाइलाइट कर लूँगी, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं डैब डैब करके इसे ब्लेंड कर लूँगी और फिर मैं क्या करूँगी कि पाउडर की हेल्प से, लूज पाउडर की हेल्प से इसे उसी वक्त सेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आपको जब भी अपना फेस जो है कंसील करना है, अंडर आइज कंसील करनी है, तो आपको हमेशा जो कंसीलर है वो अपने फाउंडेशन से एक शेड लाइट चूज़ करना है। लेकिन अगर आप हाइलाइटिंग के लिए कोई कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अपनी स्किन टोन से 2 शेड लाइट चूज़ करना है। सो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का लूज पाउडर, अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छा है, मुझे ये लूज पाउडर काफ़ी पसंद है। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा उसे डस्ट ऑफ कर दूंगी एक ब्रश की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कंट्रोलिंग शेड जो कि है वुडी वंडर शेड शुगर का ही, और इससे मैं अपने पूरे फेस को कंट्रोल कर लूँगी। और फ्रेंड्स मैं आपको ना एक बात बताऊँ, आज ना मैंने अपनी नोज़ को कंट्रोल किया है लेकिन एक डिफरेंट वे से मैंने नोज़ कंट्रोल करने की कोशिश की और मुझे लगा कि आज जो नोज़ कंट्रोल की है मैंने वो पहले से कुछ ठीक बेटर हुई है। तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पहले के वीडियोज़ के अकॉर्डिंग आज की जो मेरी नोज़ कंट्रोलिंग है वो कैसी लगी। इस तरह से सबसे पहले मैंने क्या किया कि ब्रश की हेल्प से शेड को अप्लाई किया है, फिर मैंने इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का ब्लेंड किया है साइड से। एंड फ्रेंड्स मैंने जो शेड अप्लाई किया है वो सिर्फ मैंने ब्रिज ऑफ द नोज़ तक ही अप्लाई किया है, मैं इसे नीचे लेकर नहीं आई। तो इस तरह से इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है शुगर का ब्लश, ये है पीच पीक शेड। और फिर मैंने फ्रेंड्स क्या किया, नोज़ को साइड में लूज़ पाउडर के साथ इस तरह से जो मैंने ब्लेंडिंग की थी उसे इस तरह से सेट किया है। तो आज मुझे लगा कि हाँ भाई आज मेरी जो नोज़ कंट्रोलिंग है थोड़ी सी पहले से बेटर हुई है। और यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर और आज मैंने इनसाइट कॉस्मेटिक के शुगर के और साथ ही फ्रेंड्स एलेटीन के प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश की है। तो ये जो हाइलाइटर है ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है शैम्पियन चैम्पियन, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, अफोर्डेबल है और समटाइम्स क्या होता है कि ये आपको किसी भी प्रोडक्ट के साथ फ्री में भी मिल जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट कर लूँगी इसके साथ। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी आज की मेकअप लुक वीडियो कैसी लगी और मुझे पता चलेगा कि क्या मेरी जो मेकअप लुक में जो कमियां होती हैं वो कंप्लीट मैं कर रही हूँ या फिर नहीं। तो यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ब्लू काजल और फ्रेंड्स इसके साथ मैंने क्या करना है कि अपनी लोअर वाटर लाइन पर इसे अप्लाई करना है। आज मैं ब्लैक काजल यूज़ नहीं कर रही बिकॉज मुझे लगा कि ब्लू जो काजल है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो मैंने इस ब्लू आई लाइनर को, आई पेंसिल को यूज़ किया है और इसकी जो शेड है मुझे काफ़ी पसंद है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी पिगमेंटेड है। और साथ ही फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी कि जो मैंने पिंक शेड अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था उसके साथ ही मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे इसे अप्लाई कर लूँगी और फिर मैं इसे स्मज कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा जो आई मेकअप है अभी भी कम्प्लीट नहीं होगा बिकॉज अभी मेरा लाइनर बाकी है, अभी मस्कारा बाकी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आई मेकअप को क्रिएट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो मैं जो लाइनर यूज़ कर रही हूँ आज कर रही हूँ लॉरियल पैरिस का, ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये समटाइम्स आपको 50% ऑफ पे भी मिल जाता है और इसके साथ जो होता है विंग जो है वो क्रिएट करना काफ़ी इजी हो जाता है। सो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से सबसे पहले विंग क्रिएट किया है, उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर पर इस आईलाइनर को क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से। सो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आज मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन का, और मेबलिन का जो आज मेरे पास मस्कारा है वो मुझे फ्री में आया था तो आज मैंने उसे यूज़ किया है। तो ये छोटू सा मस्कारा है, ये आपको किसी भी प्रोडक्ट के साथ फ्री में भी मिल जाता है और इंडिविजुअली आई थिंक आपको ये मिंत्रा पे समटाइम्स मिल जाता है। आप इसकी वांड देख सकते हैं, छोटी सी है लेकिन काम ये वैसे ही करता है जैसे इसका नॉर्मल जो मस्कारा आता है वैसे करता है। सो फ्रेंड्स मुझे मस्कारा काफ़ी पसंद है और आज कलर बार का लिप लाइनर यूज़ करने वाली हूँ।
ये भी शेड मेरा फेवरेट शेड है और इसके साथ मैं अपनी लिप लाइन को क्रिएट कर लूँगी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मेरा न्यू बाय लिक्विड लिपस्टिक जो कि एलेटीन का है, जिसे मैंने अभी रिसेंटली ही मंगवाया है। और एलेटीन की ये जो लिक्विड लिपस्टिक है काफ़ी लाइट वेट है, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो शेड मंगवाया है वो है फ्लैटरिंग न्यूड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो शेड है एक पीच कोरल शेड में है। तो इसके ड्राई होने के बाद ना मैंने यहाँ पे यूज़ किया था इनसाइड का ही जो लिप ग्लॉस आता है, तो इसके साथ इसकी जो लुक है काफ़ी अच्छी लग रही थी, आप देख सकते हैं। सो इस तरह के जो लिप ग्लॉस होते हैं आपकी हर लिपस्टिक के साथ काम कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके पास एक लिप ग्लॉस तो इस तरह का होना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट है। तो आपको अगर ये मेरी मेकअप लुक वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।